तो ये है डाइनिंग कार, इस पे पैर रख के आप ऊपर चढ़ सकते हो। इस सॉफ्ट स्लीपर में मिरर भी है, यहाँ से आप खुद को भी देख सकते हो। भाई ये मतलब सबसे बेस्ट लगा। तो ये एक प्राइवेट रूम है पूरा का पूरा ट्रेन के अंदर। एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गया, मतलब अगर आप सॉफ्ट स्लीपर में ट्रैवल करते हो तो ये आपको स्लीपर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं। 245 की स्पीड में भाई लग ही नहीं रहा मुझे। तो जैसे ही कोई ट्रेन निकलती है ना भाई, पूरी ट्रेन हिल जाती है। वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। इस वाले व्लॉग में हम ट्रैवल कर रहे हैं शंघाई से शेंजिन बुलेट ट्रेन के स्लीपर क्लास में। लगभग 12 घंटे की जर्नी है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ भाई फर्स्ट क्लास में, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट स्लीपर। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है उसको सॉफ्ट स्लीपर कहते हैं, सेकेंड क्लास को कहते हैं यहाँ पे हार्ड स्लीपर, और जो बिल्कुल स्लीपर बोल लो या जनरल बोल लो उसको बोलते हैं लोग सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास में और एक और यहाँ पे क्लास होता है नो सीट, मतलब आप चाहो तो बिना सीट के भी ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन वो कुछ कुछ ट्रेन में ही वैलिड है। उसके लिए भी आपको कुछ हल्का सा पैसा देना पड़ता है, पर उसमें आपको सीट नहीं मिलती। तो बट ये ट्रेन बुलेट ट्रेन है और स्लीपर है, और इसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं सॉफ्ट स्लीपर में। तो भाई ये जर्नी होने वाली है चाइना की ओवरनाइट जर्नी इन फर्स्ट क्लास। तो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। 4 दिन से भाई रूम में हूँ, कभी पुशअप मारे कभी स्क्वाट्स। चाइना में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाना, अपने जैसा खाना यहाँ मिलता नहीं है, और चिकन भी मतलब बड़ी मुश्किल से आपको मिलेगा अच्छी जगह पे। बाकी तो आप कुछ खा नहीं सकते और वेज खाना तो है ही नहीं। अब मेरे लिए चैलेंज जाता है कि ऐसी जगह में अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करना, जो कि मैं इंडिया में भी करता हूँ। सो आई कैरी प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। जब भी मैं बाहर होता हूँ तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि होटल में एटलीस्ट जिम हो या आसपास कोई जिम मिल जाए, मैं रूम के अंदर कर लेता हूँ। तो मैं अपनी डाइट इसमें बिल्कुल तोड़ता नहीं हूँ। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रोटीन इज 25 ग्राम प्रोटीन एक स्कूप में, जो उसको सबसे ज्यादा डिफरेंट बनाता है वो है इसकी प्रोहाइड्रोलाज एंजाइम टेक्नोलॉजी, जो भाई आपकी बॉडी में ना बहुत अच्छे से अब्जॉर्व होती है। प्रोटीन बहुत अच्छे से अब्जॉर्व होता है आपकी बॉडी में, रिजल्ट्स आपको ना बहुत तगड़े मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू मसल बिल्डिंग। तो अब बात करते हैं भाई ट्रस्ट की। हमारे दिमाग में एक ही चीज चलती है भाई, इसमें ये है वैसा ऐसा। इन्फॉर्म चॉइस यूके सर्टिफाइड है, तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, एंड बेस्ट सेलर है ये अमेजोन फ्लिपकार्ट का, तो ट्रस्ट का सवाल ही नहीं है। बाय द वे, अगर आपको लैब रिपोर्ट टेस्ट करनी है तो आप यहाँ पे ना टेस्ट भी कर सकते हो। तो फटाफट एक स्कूप लेते हैं, 25 ग्राम प्रोटीन तो एटलीस्ट ले लेते हैं, एंड फिर हम निकलते हैं फटाफट। भाई मिक्सिबिलिटी बहुत तगड़ी है, फेवरेट फ्लेवर है मेरा ये बेल्जियम चॉकलेट, टेस्ट काफी कमाल का है। इसको ना आप दूध के साथ ले सकते हो, या आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो कि वो वे प्रोटीन डाल के आपके लिए कुकी बना दे, मतलब हर चीज में ये यूज हो सकता है। शेक के अलावा कोई और तरीके से लेना है तो वैसे भी ले सकते हो। बिग मसल इज माय फिटनेस पार्टनर सिंस अ ईयर, मतलब बहुत ही जेन्युइन रिजल्ट्स हैं और बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। तो लिंक आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो जाके अभी परचेज कर सकते हो। आपको लग रहा होगा भाई हम जैसे एयरपोर्ट आ गए, बट एयरपोर्ट नहीं, अभी हम आए हैं स्टेशन। शंघाई में बहुत सारे स्टेशन हैं, तो जब मैं बीजिंग से आया तो वो दूसरा स्टेशन था, अभी जो है ये दूसरा है। टिकट पे मैंने देख लिया था एग्जैक्टली कौन सा है, तभी मैं वहीं की मैंने फिर कैब बुक की। ये है शंघाई होंगहुयाओ रेलवे स्टेशन, यहाँ से हमारी ट्रेन है, और स्लीपर बुलेट ट्रेन शायद यहीं से चलती है। हमारी ट्रेन 7 बजे है, लेकिन मैं पहले ही आ गया। आप ऑटोमेटिक टिकट्स भी ले सकते हो अगर चाहो तो। ये आ गए भाई हम स्टेशन के अंदर, और भाई स्टेशन के अंदर ये लग्जरी ब्रांड्स की दुकानें भी दी हैं, और पूरी सिक्योरिटी हुई है अंदर आने से पहले। दो दो फ्लोर्स हैं इस स्टेशन में, आप समझो 29 चेक इन काउंटर्स हैं। ये है ओवरऑल स्टेशन, और ये चेक इन काउंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 29 चेक इन काउंटर्स हैं पूरे स्टेशन में शंघाई के। नीचे जो है शॉपिंग करने का बना हुआ है, देखो मतलब नीचे आप शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो प्रॉपर, और ऊपर खाने पीने का बना हुआ है। तो मैं ऊपर जाके कहीं पे अपना जो है थोड़ा बसेरा बनाऊंगा, फ़ोन वोन चार्ज करूंगा। हमारी ट्रेन है 7 बजे की, और उसका नंबर है D841। ये स्लीपर बुलेट ट्रेन है, तो ऐसा व्लॉग शायद आपने पता नहीं पहले कभी देखा नहीं होगा। तो व्लॉग देखना स्टार्ट भी कर रहे हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब दबा देना। ये डी और जी कैटेगरी की ट्रेन्स चलती हैं, दोनों ही बुलेट ट्रेन्स हैं। जैसे चाइना में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसकी वजह से देखो पूरे ट्रेन स्टेशन भरे रहते हैं। यहाँ लोग फ्लाइट बिल्कुल प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उसमें चेक इन और अंदर जाने से लेके बाहर निकलने तक उतना ही टाइम पड़ जाता है जितना एक बुलेट ट्रेन में पड़ेगा। यहाँ से शेंजिन काफ़ी दूर है,
भाई मैंने रेलवे स्टेशन में इतने हाई स्टैंडर्ड शॉप्स नहीं देखी, मैं सच बता रहा हूँ। खाने पीने का तो देखा है मैंने, इतना कुछ शॉपिंग का हो वो भी रेलवे स्टेशन में, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। और ये है इंफॉर्मेशन सेंटर, यहाँ से आप चाहो तो कुछ भी पूछ सकते हो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन में, वो भी भाई इतने महंगे महंगे ब्रांड है सारे के सारे, सस्ता एक भी ब्रांड नहीं है। यहाँ पे दुकानें लगाई हैं, इसका मतलब ये है कि बिकता ही होगा। तो चाइना अगर आप आते हो सपोज घूमने के लिए, दो वर्ड सीख लेना, एक तो सीख लेना शीशे मतलब कि थैंक यू, हाओ मतलब कि हेलो, तो ये दो वर्ड्स जरूर सीख लेना। लो इतनी सारी ट्रेन्स हैं, वुहान के लिए भी ट्रेन है, वुहान तो आप जानते ही हो, मतलब बहुत बहुत जगहों के लिए ट्रेन है यार यहाँ से। और आप यकीन करोगे मतलब एक स्टेशन में दो दो फूड कोर्ट हैं, एक है मेरे पीछे जो आपने देखा और एक है मेरे सामने, दो दो फूड कोर्ट्स हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले पैसेंजर्स जो गेट नंबर 7 से चेक इन कर रहे हैं उनको गेट नंबर 29 जाना पड़ेगा खाने के लिए, सेम ब्रांड सेम फूड, दो दो मतलब दो फूड कोर्ट्स, फूड कोर्ट ए फूड कोर्ट बी, लेकिन उनके आउटलेट्स बिल्कुल सेम है। कुछ आपने कभी रेलवे स्टेशन में ये कोच वगैरह देखा है रेलवे स्टेशन में? भाई हम खाएंगे सबवे, सबसे बेस्ट है। जैसे फ्लाइट्स में लिखते हैं ना कि अभी फ्लाइट यहाँ से इस बोर्डिंग गेट से ये फ्लाइट जाएगी, वैसे देखो ट्रेन्स लिखी हुई हैं। जो स्टेशन है ये है चाइना हाई स्पीड रेलवे होंगे क्या, और रेलवे स्टेशन इसका कोई म्यूजियम बना हुआ है, और यहाँ से सारी हाई ट्रेन्स ही जाती हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स ही जाती हैं। एग्जिट के लिए पूरा अलग ही सेक्शन बना हुआ है, ये नहीं है यहीं से लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा डिपार्चर साइड है, ये एग्जिट साइड है, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप जैसे रेलवे स्टेशन में हो या फिर एयरपोर्ट में। जैसे एयरपोर्ट में होता है ना अलग एग्जिट सेक्शन, ये देखो ये पैसेंजर्स एग्जिट कर रहे हैं। ये आ गए हम फूड कोर्ट एरिया में, देखो बर्गर किंग मैकडोनल्ड सबवे सब कुछ मिलेगा आपको, यू नेम इट और यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई मेरा फिक्स है, मैं तो चिकन तेरियाकी खाऊंगा सब में, सबवे खाऊंगा, सबसे बेस्ट है भाई। अभी हम आ गए हैं ऊपर रेलवे स्टेशन के। तो भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो कभी भी अपने साथ कोटक बैंक का कार्ड कभी कैरी मत करना, इतना बुरा फंसोगे कि जिसका आपको यकीन भी नहीं है। ये लोग दो बार मेरा कार्ड ब्लॉक कर चुके हैं, मतलब इतने बेवकूफ़ हैं, इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर इनका कोई कस्टमर इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है तो ऑफकोर्स यार आप पहले उसको आप कॉल करके ऑथेंटिकेट कर सकते हो, या फिर आप बहुत तरीके होते हैं आप सीधा ब्लॉक कर दे रहे हो, और ये एक नहीं बहुत बार हो चुका है, और सिर्फ कोटक बैंक वालों के साथ ही हो रहा है ये मैक्सिमम। सो इट्स अ वेरी बैड कार्ड टू ट्रैवल इंटरनेशनल, मेरी ये एडवाइस मान लेना वरना कहीं ना कहीं बहुत बुरा फंसोगे। डेबिट कार्ड के बिना इंटरनेशनली आप भिखारी हो गए, बिना पैसों के कि कार्ड पैसे निकलेंगे नहीं, और UPI तो यहाँ होता नहीं है। अभी मुझे अपना फ़ोन चार्ज करना है और कहीं पे भी मुझे सॉकेट नहीं मिल रहा, तो मैं यहीं पे अली पे से पे करके एक ये ले लूँगा पावर बैंक और अपना फ़ोन चार्ज कर लूँगा। आई थिंक अच्छा रेंट करने के लिए 34 yuan देने पड़ेंगे, वो तो अच्छा हुआ मैंने अपनी सिस्टर को कॉल किया, उसको बोला कि तू अपना कार्ड दे दे कुछ टाइम के लिए, और आज संडे है तो इतने बेवकूफ़ हैं कोटक वाले कि इनका जो टोल फ्री नंबर है वो संडे को काम ही नहीं कर रहा। इंटरनेशनल वालों का अलग नंबर है और नॉर्मल इंडिया वालों कस्टमर्स के लिए अलग है। इंटरनेशनल नंबर से मैंने ट्राई किया कॉल करना, मतलब जो भी इन्होंने दिया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, तो कह रहे हैं 6:30 से 7:30 बजे तक मंडे टू सैटरडे, और आज संडे है। अबे कितने बड़े संडे को तुमने कार्ड ब्लॉक किया, और एक दिन बंदा कहाँ जाएगा बिना पैसों के बिना कार्ड के। भाई कोटक सच में यार इतना बड़ा इतना स्टूपिड बैंक मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बैंक, मुझे यकीन ही नहीं होता। जिन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक किया है वो अनलॉक करने के लिए मुझे इनके टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा जिन्होंने दिया हुआ है, और अगर मैं इंटरनेट बैंकिंग से जाके उसको अनलॉक करने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं कर सकता, साफ साफ लिखा हुआ है। मेरे पास है इंटरनेट एप्लीकेशन, अगर आपको लग रहा है ना कि भाई तू तो ऐप में जाके कर सकता है, मैं ऐप में गया मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, उसमें सिर्फ कॉल करके ही अनब्लॉक कर सकते हो। और संडे को इतना बड़ा बैंक होके कि इनका एक बंदा कस्टमर केयर का है नहीं और इन्होंने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, हाउ अनप्रोफेशनल। मुझे यकीन नहीं होता कि भाई 21 सदी में भी ऐसे बेवकूफ़ और वो भी इतना बड़ा बैंक चला रहे हैं, सच में गाइस मतलब इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अभी ये कुछ नहीं है, इसके आगे इनको कॉल करने के लिए मुझे एयरटेल का 600 रुपये का पैक लेना पड़ेगा एक दिन का, जिसमें मैं इंटरनेशनल कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एयरटेल वाले नंबर से कॉल करूंगा तभी मैं कनेक्ट कर पाऊंगा कोटक से। चाइना वाली सिम है मेरे पास, उसका तो मैं मुझसे तो मैं कॉल करूंगा ही नहीं, वो लगेगा ही नहीं, राइट। 600 रुपये मेरे अलग फुक गए। और इन्होंने ये हांगकांग में भी किया था, मैंने आपसे शायद डिस्कस नहीं किया, मुझे पता नहीं,
इन्होंने हांगकांग में भी ये किया था, तब भी मेरे 600 रुपये एक्स्ट्रा लगे थे एयरटेल के, मुझे ज़बरदस्ती लेना पड़ा था इंटरनेशनल पैक जस्ट टू कॉल देम एंड मेक माई कार्ड अनब्लॉक। जस्ट इमेजिन गाइज, आज भी ये सब होता है हमारे यहाँ। भाई अगर आपको चार्ज करना है फ़ोन तो 99 युआन का डिपॉजिट डालना पड़ेगा, जो प्राइस लग रहा है पर घंटा वो 5 युआन लग रहा है पर घंटा, और 2 मिनट से कम लोगे तो फ्री पड़ेगा, बट डिपॉजिट भाई 100 युआन मतलब लगभग 1200 रुपये का डिपॉजिट है, मतलब अगर कोई लेके भाग गया तो उसके लिए इन्होंने डिपॉजिट ज़्यादा रखा है। ये है हमारा चेक इन गेट D941, और मैंने भी देखा भाई जो यहाँ के लोकोमोटिव पायलट होते हैं ना, मतलब ये देखो जो ये जा रही है क्रू, ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में रहते हैं जो लोकोमोटिव पायलट रहते हैं, प्रॉपर यूनिफॉर्म जैसे वो पायलट की होती है ना, और इन लोग निकलते हैं ना जब ट्रेन से बाहर तो भी एकदम बैग वैग लेके जैसे वो पायलट्स निकलते हैं, बिल्कुल सेम भाई, बिल्कुल फ़र्क ही नहीं है। अगर आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो ना तो देखो ये इसका चेक इन काउंटर ही अलग है बिजनेस क्लास का। तो फाइनली भाई जस्ट 15 मिनट पहले सब कुछ खोला, और जस्ट 15 मिनट्स मतलब तब से हम बाहर वेट कर रहे थे, किसी को भी प्लेटफॉर्म में अलाउड नहीं है। तो ये एक और ट्रेन है पता नहीं कौन सी, बट इसमें हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इस पे, ये वाइट वाली में, ये भी बुलेट ट्रेन ही है। तो ये है हमारी बुलेट ट्रेन स्लीपर वाली, एंड ये जो देख रहे हो ना ये हार्ड स्लीपर है बेसिकली, उसके अंदर टीवी वी भी लगा हुआ है भाई, ये भी लग्जरी लग रही है। तो अभी मेरा कैरेज है 2, तो ये था 6, आई थिंक आगे 7 है। बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका लगा मुझे, पहले बूढ़े और बच्चों को जाने दिया, उसके बाद जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए इन्होंने खोला, बहुत सिस्टमैटिक है। देखो ऊपर स्क्रीन पर भी आ रहा है, टाइम वगैरह भी दिया हुआ है, ये देख रहे हो ये क्रू जो है ना आपको सारे कुछ इसके बाहर मिलेगा, एंड विद द प्रॉपर यूनिफॉर्म, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और ये है हार्ड स्लीपर, इसका इंटीरियर भी देख लो, वैसे टीवी भी लगी हुई है तो हार्ड स्लीपर के भी हिसाब से उतना बुरा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ देखो गाइस, ये है हमारा कोच, एक्चुअली हम थोड़ा गलत कोच चले गए, तो हमारा कोच है 11, एक्चुअली पूरा चाइनीज में लिखा है, मुझे ऑफकोर्स ट्रांसलेट कर लेना चाहिए था बट मैंने ट्रांसलेट नहीं किया। हमारा है सीट कोच 11 है हमारा, तो बहुत आगे है एक्चुअली, बिल्कुल लास्ट डब्बा होगा, कोच है 11 और मैं सबसे लास्ट बचाऊँ गाइस। है डाइनिंग कार जहाँ पे हम आएंगे ऑफकोर्स, और ये सॉफ्ट स्लीपर के पास में लगती है, बस हमारा कोच आ गया, और ये है भाई सॉफ्ट स्लीपर, बट हमारा आगे है, एंटर करते हैं भाई फाइनली। यहाँ पे आप बैठ सकते हो चाहो तो, जैसे मेरी ऊपर वाली सीट है ना, तो जिनकी ऊपर की सीट है उनके लिए ये बना हुआ है। यहाँ पे कैमरा वैमरा लगा हुआ है फॉर द सिक्योरिटी। दीज आर दी वॉशरूम्स जो कि बहुत साफ लग रहे हैं, दिस इज़ फॉर द हॉट वाटर, किसी को गर्म पानी चाहिए तो यहाँ से ले सकता है। एंड ये है वॉश बेसिन दो, और यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन भी है, तो भाई मस्त लग रही है यार मेरे को तो ये बहुत ट्रेन। और ना इसमें देखो बाहर ही मैंशनड है कि आपकी सीट कौन सी है, तो मैंने अपर ली थी, अगर आपको लोअर चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। अगर बात करें प्राइस की तो मैंने पे किए लगभग 870 युआन, लगभग 10,000 रुपये कैश मैंने स्टेशन में दिया, 10,000 रुपये। और हाँ यहाँ से शेंजिन है अराउंड 1500 किलोमीटर, और हम कवर करेंगे लगभग 10 घंटे में अप्रॉक्स, तो स्पीड इसकी अबव 100 ही है, और ये बुलेट ट्रेन में ही कैटेगरी में ही आती है। यहाँ पे इंडियन टॉयलेट दिया है, और ये है इंग्लिश टॉयलेट। तो ये है डाइनिंग कार, यहाँ पे आप खाना मंगवाओ एंड आराम से बैठ के खा सकते हो, जो कि मैं ऑफकोर्स ट्रेन चलने के बाद यहाँ पे आऊँगा। एक हाथ कॉफ़ी तो भाई पीनी बनती है, और ओवरनाइट जर्नी है, और देखो भाई सीट की क्वालिटी देखो कितना कमाल है। बाय द वे नॉर्मल हार्ड स्लीपर वाले भी आ सकते हैं इधर, लेकिन उनको दूर पड़ेगा, ये सॉफ्ट वालों के लिए बहुत पास है। दिस इज़ द ट्रेन मेन्यू, को जो मंगवाना हो आप मंगवा सकते हो इसमें से, 8 युआन 13 युआन। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन चलने के बाद ही ऑर्डर करो खाना, पहले भी कर सकते हो बैठे बैठे, बहुत सारे पैसेंजर्स अभी आके बैठ गए हैं इधर। यहाँ पे सैनिटरी बैग्स वगैरह भी दिए हैं। 7:55 हो गया और शार्प हम निकलने वाले हैं। तो फाइनली हम निकल चुके हैं शेंजन के लिए। भाई स्टॉप्स कितने होंगे ये मुझे नहीं पता, आप जैसे हार्ड स्लीपर लेते तो उसका प्राइस आपको बहुत ही कम पड़ता, 300-400 युआन पड़ जाता, सॉफ्ट स्लीपर का प्राइस जस्ट डबल है। अगर बात करूं मैं इस ट्रेन की इंटीरियर की, तो सॉफ्ट स्लीपर में 4 सीट्स होती हैं, 1, 2, 3, 4, और ये देखो सीट की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। यहाँ पे जो बेड शीट्स वगैरह हैं ये भी बहुत हाई क्वालिटी के हैं। देखो जैसे मेरी सीट ऊपर है, ऊपर कैमरा भी, कैमरा या फिर हवा के लिए पता नहीं क्या है वो, ऑक्स केबल वगैरह हैंगर वगैरह दिया है, और यहाँ पे टेलीविज़न भी है। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि लाइट ना बड़ी अच्छी सी दी है यार मुझे इसमें, और ये देखो क्या है, लाइटिंग का बटन है, ये SOS का बटन है, और ये टेम्परेचर का बटन है, इस पर पैर रख के आप ऊपर चढ़ सकते हो, टीवी का कंट्रोल दिया हुआ है, और भाई बेडशीट्स ऑलरेडी बिछी हुई हैं। ये है डस्टबिन, और अगर आप सोच रहे हो कि भाई हवा कहाँ से आएगी, तो हवा यहाँ से आएगी, और केटल जो है वो ट्रेन वालों ने दी है। दिस इज़
द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ सॉफ्ट स्लीपर. इस सॉफ्ट स्लीपर में मिरर भी है, यहाँ से आप खुद को भी देख सकते हो. भाई ये मतलब सबसे बेस्ट लगा. और अगर आपको कुछ हैंग करना है तो आप इसको भी हैंग कर सकते हो. तो ये एक प्राइवेट रूम है पूरा का पूरा. तो वो आए थे पूछ रहे थे भाई ये क्या है करके, तो मैंने उनको बताया कि दिस इज़ कैमरा. फिर मैंने उनको टिकट दिखाई एंड फिर उन्होंने बोला ओके हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट टाइम. मतलब हाँ बहुत फ्रेंडली लोग हैं. मतलब मुझे अभी तक बिल्कुल भी एज अ फॉरेनर बिल्कुल अनकम्फर्टेबल लगा नहीं. यहाँ पे लिक्विड सोप वगैरह भी दिया हुआ है प्रॉपरली ट्रेन में. और यहाँ पे ये टिश्यू पेपर वगैरह दिए हुए हैं. हमारी ट्रेन में तो ये नहीं होता है, और होता भी है तो पानी का रहता है पूरा, पर इसमें पूरा प्रॉपर है. और यहाँ पे ना हर जगह देखो लिखा रहता है नो ड्रिंकिंग वाटर. मतलब जैसे कहीं यूरोपियन होते हैं वो पी जाते हैं, उनको पता नहीं होता, तो इसलिए लिख के रखा है. खैर मुझे तो पता ही है कि नहीं पीना है. और यहाँ पे आप चार्ज भी कर सकते हो, पावर आउटलेट यहाँ पे दिया हुआ है ठीक है. एंड हॉट वाटर का भी है, ये बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं. देखो लिखा हुआ है हॉट वाटर. अरे बाप रे ट्रेन है भाई, वो फुल स्पीड पकड़ ली लगता हमारी ट्रेन ने. मैं आ गया हूँ डाइनिंग कार में, तो मैंने ना ये ऑरेंज जूस लिया है. कॉफ़ी पे कॉफ़ी मांगी थी मैंने, वो स्टारबक्स की कोई कॉफ़ी थी, बहुत महंगी होगी, वो मैंने ली नहीं. 12 युआन की है ये, लगभग 40-50 रुपए का होगा. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको खाना ऑर्डर करना है तो ही बैठ सकते हो. आप जो खाना लाए हो उसको यहाँ पे खा सकते हो. मतलब अगर आपको जैसे कोच के अंदर नहीं खाना तो यहाँ पे आके भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है. और देखो इन ट्रेन्स में ना यहाँ पे इन्होंने डक्ट वगैरह दिया है, ये है सैनिटरी बैग, सब कुछ है. हालांकि एक चीज़ है कि भाई पूरे स्टेशन में कहीं चार्जिंग सॉकेट्स नहीं थे. अगर आपको फ़ोन चार्ज करना है तो वही है कि वो अपना पावर बैंक लो 99 युआन डिपॉजिट देके, वो बहुत लंबी बकर है. तो चार्जिंग पॉइंट पूरे स्टेशन में नहीं गाई, जैसा जो मतलब पहली बार देखा मैंने. इस मामले में इंडिया बहुत बढ़िया है भाई, हर जगह चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं. और अभी डाइनिंग कार में आया हूँ, यहाँ पे भी नहीं है, मेरी बैटरी काफ़ी कम है. ये तो मैं दिखाना ही भूल गया आपको. तो भाई अभी स्पीड हो रही है 245 किलोमीटर पर आवर. लग ही नहीं रहा कि ट्रेन इतनी तेज़ चल रही है, मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ यहाँ से देख के. लेकिन इसको देखो भाई, थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है ये, इतनी ज़्यादा स्मूथ है ये ट्रेन. मतलब जो आपने पहले देखी वो तो स्मूथ थी, लेकिन ये देखो भाई दो सौ 45 की स्पीड में भाई, लग ही नहीं रहा मुझे. चलते हैं भाई अपनी सीट पे. ये किचन है प्रॉपर ट्रेन के अंदर. तो जापान में जो ओवरनाइट ट्रेन थी उसमें किचन वगैरह तो नहीं था, इसमें है. और ये कोच ना पूरा खाली पड़ा है, इन्होंने पूरा खाली छोड़ दिया इस कोच को, मेरा वाला ही भरा हुआ है. चलते हैं थोड़ा आराम करते हैं, आपको बताता हूँ भाई क्या कैसी फीलिंग है एंड गद्दा तक कितना कम्फर्टेबल है, नींद आ रही है कि नहीं. बाकी मुझे ना लाइट बड़ी अच्छी लगी है. सो ये है अपना कोच. गाइज चार्जिंग की बड़ी दिक्कत है एक्चुअली ट्रेन में, स्टेशन में भी भाई चार्ज कहीं नहीं कर पा रहे थे. दिस नो चार्जर नो. एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गया, मतलब अगर आप सॉफ्ट स्लीपर में ट्रैवल करते हो तो ये आपको स्लीपर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलती हैं. ये तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं पहली बार ही देख रहा हूँ कि मतलब ऐसे ट्रेन के अंदर मिल रहा है. ओके 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 शेयर शेयर ओके 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 थैंक यू सीए स्लीपर भी मिली है, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ. ना भाई कोई तो स्टेशन आया है, लेकिन निकले हुए हमको हाफ एन आवर हुए हैं. हांग्स हो डोंग करके, और पता नहीं अभी यहाँ से भी लोग चढ़ेंगे. हमारे कोच में तो जगह है भी नहीं वैसे, पता नहीं बाकी कोचेज में चलेंगे मे बी. और हाँ कल सुबह 6:30 बजे आएगा शेंजन, तो पूरी ट्रेन वहीं खाली होगी. सारे स्टेशन ही ऐसे हैं. और देखो इन लोग भी लाइन से आ रहे हैं, मतलब इनकी बोर्डिंग भी शुरू की होगी 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले. मतलब ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन पीछे से आ रही है तो इन लोग पहले से यहाँ वेट कर रहे हैं. इस यहाँ पे पूरा सिस्टमेटिक तरीका है. ये देखो लाइन से नीचे आ रहे हैं सारे, और मे बी 10-15 मिनट्स हम रुकेंगे. भाई कोई तो शहर है, कोई रैंडम सा शहर है गाइस. उसकी स्काईलाइन देखो आप, मतलब अभी हम यहाँ पे हमने स्टॉप लिया ना, वहाँ से हम निकल गए हैं. गजब स्काईलाइन है यार. तो नॉर्मल शहर है कोई, आप समझो नॉर्मल सा, शंघाई नहीं है. अरे भाई साहब, तो जैसी कोई ट्रेन निकलती है ना भाई, पूरी ट्रेन हिल जाती है. अरे भाई साहब, तो ये कोई नॉर्मल सा शहर था आपने जो देखा अभी. मैं आ गया हूँ ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम बस ये हो रही है कि ये जैकेट कहाँ टांगूँ, क्योंकि शेंजिन में है थोड़ी मतलब गर्मी टाइप की. और भाई जो क्वालिटी दी है ना ब्लैंकेट की, टॉप क्लास क्वालिटी है, टॉप क्लास. ये तो छोड़ो, ये तो कुछ भी नहीं है, जैसे कोई 5-स्टार का पिलो होता है ना, उस लेवल की क्वालिटी है भाई इसकी. देखो
डेढ़ 2000 का पहले होगा गाइस, ज़बरदस्त। बट एक ड्रॉबैक है सबसे बड़ा, वो ये है कि चार्जिंग सॉकेट नहीं है भाई। तभी जो ऊपर वाली सीट है ना, इसका पैसा कम लिया है। रीडिंग लैंप्स दिए हैं लेकिन चार्जिंग सॉकेट नहीं दिए, बताओ। ये टीवी कंट्रोल्स हैं। कोई तो स्टेशन आया है। बस 42 किलोमीटर दूर है हम शेंजन से। तो भाई ये है डाइनिंग टेबल सुबह सुबह, बट यहाँ पे कोई है नहीं। तो फ्रूट्स वगैरह भी हैं, चाहो तो वो भी ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स हैं। और चिप्स वगैरह तो आई थिंक आपको नॉन वेज भी मिलेंगे, तो वो मत लेना। ये फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो चाहो तो। देखना ये छोटा सा बार टाइप का बना हुआ है, बड़ा मस्त लग रहा है गाइस। हम आ गए शेंजन, अभी हो रहे हैं सुबह के 6:15 और यहाँ पे देखो भाई मेरी जैकेट पूरे तरीके से उतर चुकी है। एंड ये ट्रेन जो है ना आगे जाएगी कहीं पे। पासपोर्ट निकाल लिया, जैकेट निकाल ली, और ये देखो कितना बड़ा स्टेशन है भाई। और आई थिंक ये हमारा 4th या 5th स्टॉप होगा पूरी जर्नी में। और ये ट्रेन मतलब एवरेज 200 के ऊपर ही चली है। तो बुलेट ट्रेन में भी ना एक स्लीपर कैटेगरी होती है जो आपने देखी, एक सिटिंग कैटेगरी होती है। ओवरनाइट बुलेट ट्रेन है वो ज्यादातर आपको स्लीपर मिलेंगी, जैसे कि ये हो गई। तो बहुत सारी कैटेगरी की ट्रेन है चाइना में, जैसे कि ये हो गई डी कैटेगरी, एक है जी और एक है सी, ये फास्ट बुलेट ट्रेन हैं। और जो एक एक्स कैटेगरी है जिसपे हम जाएंगे हार्बिन, वो है एक्सप्रेस और फास्ट बोल सकते हो उसको। तो जो शेंजन है वो हांगकांग बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, मतलब यहाँ से हांगकांग बॉर्डर 30-40 किलोमीटर भी नहीं होगा, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब बिल्कुल सटा हुआ है हांगकांग से ये शहर। उससे पहले तो मुझे जैकेट रखनी पड़ेगी अंदर, कि अभी यहाँ पे बिल्कुल जैकेट का काम नहीं है। टेम्परेचर कुछ 18-19 डिग्री होगा। अभी तो मुझे चेक इन भी नहीं मिलेगा होटल में, तो वो भी एक इशू है। तो देखते हैं अभी क्या करेंगे। कैब तो बुक करके चले जाते हैं होटल, नहीं नीचे लॉबी में बैठ के ये व्लॉग एडिट कर लूंगा, क्योंकि एक दिन में भाई साहब दो वीडियो शूट करना है, बहुत सारा काम है। तो यूजली तो बाहर निकलते वक्त ना वो पर्ची सी होती है ना, वो आपको दिखानी पड़ती है। तो कल भाई मेरे वो पर्ची ना मैंने इधर उधर कर दी थी, फिर मुझे याद आया अरे भाई निकलते वक्त पर्ची देखेंगे। तो निकलते वक्त टिकट चेक करते ही करते हैं, तो अभी फिर से की। और अभी भाई मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, तो हम निकलते हैं बाहर भाई। उस वेंडिंग मशीन में तो मैं ट्राई कर रहा था कि पानी निकल जाए, अली पे से कोशिश कर रहा था पे करने की। कल जैसा कि मैंने बोला मेरे वो कोटक वालों ने मेरा बैंक कार्ड ही ब्लॉक मार दिया, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो हो रहा है। बड़ा स्टेशन है, 3-3 फ्लोर पार्किंग लॉट है और 3-3 फ्लोर में टैक्सी पिकअप एरिया है। तो समझ ही नहीं आ रहा भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं था, चलते फिरते मैकडोनल्ड्स मिल गया। वैसे भी अभी चेक इन मिलेगा नहीं, सोच रहा हूँ यहीं पे कुछ पेट पूजा कर लूँ और हो सके तो यहीं पे एडिट कर लूँगा। लेकिन देखना ये मैकडोनल्ड्स का मॉर्निंग मेन्यू कितना बढ़िया है। मैं कैब में बैठ गया और मुझे चाइना में ना कैब्स बहुत अफोर्डेबल लगी, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। लगभग 350-400 रुपये लग रहे हैं, और यहाँ से मेरा होटल लगभग 13 किलोमीटर दूर है। तो मेरे पास मेट्रो से जाने का भी ऑप्शन था, लेकिन मेट्रो में मुझे 2-2, 3-3 मेट्रो बदलनी पड़ती और एट दी एंड 600 मीटर चलना पड़ता। तो इतना सामान लेके मैं 2-2 मेट्रो भी बदलूँ, फिर 600 मीटर चलूँ भी, उसके बाद प्रॉब्लम्स होती हैं। जितना जल्दी जाऊंगा आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट करूंगा। और आज मुझे शेंजन में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। तो शेंजन इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सिटी, वन ऑफ द मोस्ट, बहुत एडवांस्ड है और बिल्कुल हांगकांग के जस्ट बगल में ही है, बॉर्डर में ही है। पहाड़ देख रहे हो ना उस साइड, आपको हांगकांग मिलेगा। तो आपको याद होगा हांगकांग में भी पहाड़ियां थी जब मैं हांगकांग गया था, पहाड़ों से घिरा हुआ है हांगकांग भी। और ये बिल्कुल हांगकांग के पास ही है शेंजन। आ गए होटल, यहाँ पे सुबह हो चुकी है। जैकेट को पहले सबसे पहले मैं अंदर रखूंगा। यहाँ का टेम्परेचर अभी हो रहा है लगभग 19-20 डिग्री, और जहाँ मैं जाऊंगा हार्बिन वहाँ का अभी हो रहा है -15। तो आज मेरे बहुत सारे काम है, और ये है हमारा होटल, चाइनीज में लिखा है। यहाँ पे मैक्सिमम चीजें चाइनीज में ही लिखी होंगी, वैसे तो ऑनलाइन जब बुकिंग करोगे तो इंग्लिश में आएगा। चेक इन मिल गया, मैंने इसको बुक किया मात्र 3500 रुपए में। मुझे एक दिन ही रुकना है, अगर 3-4 दिन रुकना होता तो शायद मैं थोड़ा और सस्ता लेता। बट अभी फटाफट मैं अपना जो है ये वाला व्लॉग एडिट करके
करके अपलोड कर दूंगा और दूसरा व्लॉग जो है शूट करने निकल जाऊंगा। ये इन्होंने खोल के रखा है, इसको बंद कर लेते हैं। और व्यू तो इतना खास नहीं है सामने से, पर ये बाथरूम वगैरह भाई मस्त लग रहा है मुझे। तो व्लॉग को यहीं रखते हैं। आई होप आपको ये ट्रेन जर्नी बुलेट ट्रेन के फर्स्ट क्लास में अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।